हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वेस्ट डे। मैं सुनील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि SSC ग्रुप डी, NTPC और DRDO में पूछे गए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत चुंबक बना होता है दोस्तों, किसका बना होता है? तांबे का, नरम लोहे का, जस्ते का, कठोर इस्पात का। तो दोस्तों ये क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए तांबे का, ऑप्शन नंबर बी है नरम लोहे का, ऑप्शन नंबर सी है जस्ते का, ऑप्शन नंबर डी है क्या कठोर इस्पात का। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या राइट है, क्योंकि चुंबक जो बना होता है किसका? नरम लोहे का बना होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व क्या होता है? जो दोस्तों लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करके क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। तो वो मस्त मध्य में दोनों किनारों पर, ध्रुवों पर और कहीं भी हो सकता है। दोस्तों चुंबकत्व जो सबसे अधिक होता है वो ध्रुवों पर। ध्रुव कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या राइट है। अगला दोस्तों विद्युत घात का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? किरचॉफ ने, जूल ने, फैराडे ने और ओस्टेड ने। तो दोस्तों कौन सा खोजा? ओस्टेड ने खोजा, ऑप्शन नंबर डी में राइट है। किरचॉफ ने क्या दिया था? करंट लाओ की वोल्टेज ला दिया था। जूल ने ऊर्जा का नियम दिया था एनर्जी का, और फैराडे ने विद्युत वाहक बल यानी डायनामो दिया था। ठीक है, अगला दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि उसके कारण का विरोध करती है, जिससे वह विरोध करती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा फ्लेमिंग का नियम, ऑप्शन नंबर बी क्या है लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर सी फैराडे का नियम और क्या है ऑप्शन नंबर डी है किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों फ्लेमिंग का नियम क्या होता है? यदि हमारे बाएं हाथ की उंगलियों के इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे को लंबवत हो, तो अंगूठा के साथ बल की दिशा प्रदर्शित करेगा और तर्जनी की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यम उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम दोस्तों कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। किरचॉफ लॉ दोस्तों क्या है? किरचॉफ ने वोल्टेज और केस दिया था, उसको बताइए। फैराडे लॉ क्या? विद्युत अपघटन का नियम दिया था इन्होंने, क्या दिया था और क्या दिया था डायनामो, डायनामो के बारे में क्या हुआ इन्होंने बताया था। अगला दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होती है। तो दोस्तों अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण, ना तो अल्फा ना तो बीटा। दोस्तों अल्फा और बीटा का दोनों क्या विक्षेपित होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या राइट है। और अल्फा कण जो होता है बीटा कण से क्या होता है दोस्तों? भारी होता है। अगला दोस्तों चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? उत्तरी चुंबकीय, उत्तर चुंबकीय, दक्षिण चुंबकीय, उत्तर व दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले क्या होता है, चुंबकीय सुई जो होता है वो हमारे साथ क्या होता है? उत्तर की ओर क्या होता है? उत्तर की ओर इंगित करता है। जबकि हमारा क्या है, चुंबक क्या है? नॉर्थ और साउथ दोनों की क्या करता है? इंगित करता है। अगला दोस्तों हमारा हेनरी किसका मात्रा का? धारिता का, चुंबकीय क्षेत्र का, स्वप्रेरकत्व का, आवृत का। धारिता बस दोस्तों क्या होता है? धारिता क्या होता है? किसी कैपेसिटर होता है जो पंखे में लगे होते हैं, कैपेसिटर होता है, उसको धारण करने की क्षमता क्या होती है? धारिता होती है। क्या होती है? धारिता होती है। ठीक है, तो उसको कैपेसिटर की जो क्षमता है उसके किस में नापते हैं? धारिता में नापते हैं। बी हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र वो तो होता है कि जहाँ चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्या, प्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या होता है दोस्तों? यदि किसी परिपथ में एक एम्पियर पर सेकंड की दर से क्या है धारा प्रवाहित किया जाए, तो विद्युत वाहक बल हमारा क्या है? एक वोल्ट हो तो धारिता दोस्तों क्या होगी? धारिता क्या होगी? एक हेनरी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, स्वप्रेरकत्व क्या होगा? स्वप्रेरकत्व क्या होगा? एक हेनरी होगा। और दोस्तों आवृत बात करते हैं, आवृत की, आवृत क्या होती है? आवृत धारा की, ये आवृत मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज हो तो है, ये क्या होता है? प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या होती है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और इंडक्टर। डायनामो क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और बात करते हैं इसकी, विद्युत मोटर क्या होता है? यांत्रिक, ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर जो होता है एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में क्या करता है? कन्वर्ट होता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारे इस तरह होता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है। इसमें एक प्रोड डाल देते हैं, इसे प्राइमरी
प्राइमरी क्वाल होता है, सेकेंडरी क्वाल होता है, ठीक है। प्राइमरी कुंडली में क्या क्वाल की संख्या कम होती है, सेकेंडरी में अधिक होती है। ये दो प्रकार का, एक उच्चाई होता है और एक क्या होता है, अपचाई होता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। इंडक्टर क्या होता है दोस्तों, इंडक्टर जो होता है एक जैसे क्या है, विद्युत का क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध जो व्युत्क्रम होता है। इंडक्टर क्या होता है दोस्तों, एक तरह हमारा क्या होता है, क्या कह सकते हैं, चालक की तरह जो भात करता है, ये हमारा क्या इंडक्टर होता है, ये भी एक तरह क्या चालक की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।